रामायण को जिसने रच डाला, जो संस्कृत के कवि हैं महान, ऐसे हमारे पूज्य गुरुवर के चरणों में शत शत प्रणाम। सुप्रभात। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तथा कैंटरबरी परिवार की ओर से महर्षि वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं महर्षि वाल्मीकि जयंती के इस पावन अवसर पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगी। प्रत्येक वर्ष अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को महर्षि वाल्मीकि जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण महाकाव्य रामायण की रचना की गई थी। वाल्मीकि जी द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई रामायण को सबसे प्राचीन माना जाता है। संस्कृत भाषा के प्रथम महाकाव्य की रचना करने के कारण महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि भी कहा जाता है। वाल्मीकि जी की जयंती पर देश भर में कई जगह धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, झांकियां निकाली जाती हैं और मंदिरों में वाल्मीकि जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती जीवन में वे एक डाकू थे, परंतु नारद मुनि जी के उचित मार्गदर्शन से उन्होंने अपने जीवन को सही दिशा दी। हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता रामायण ग्रंथ लिखकर वाल्मीकि जी ने समाज के समक्ष राम आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया है। अतः हमें भी उनके जीवन से शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन में नैतिक मूल्य व आदर्शों की बढ़ोतरी करनी चाहिए। धन्यवाद।